तो हे गाइस, स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपके रसायन विज्ञान में पूछे जाते हैं, तो क्या पता अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन जो है वो इसमें से ही आ जाए, तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए। तो मेरे साथ इन सभी क्वेश्चन को करिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपको, तो वीडियो को पॉज करिए। अगर ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं तो वीडियो को लगाइए, क्वेश्चन को लगाइए, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही करिए। उसके बाद से ये भी क्वेश्चन को लगाइए, अगर हो जाता है सॉल्व तो जरूर बहुत बढ़िया, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो और बताइए कि हाँ, कमेंट में बताइए कि आपका क्वेश्चन जो है वो मैंने सही किया था ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सल्फर दो क्लोराइड H2Cl2 तथा SCl2 का निर्माण करता है, ठीक है। SCl2 में सल्फर का तुल्यांक भार बताइए। तो देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन घुमाया है कि सल्फर जो है वो दो H2Cl2 और SCl2 का निर्माण करता है, और SCl2 में सल्फर का तुल्यांक भार बताइए। तो हम लोग को पता है कि जो तुल्यांक भार निकालने का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे क्या होता है, देखिए तुल्यांक भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अणु भार बटे में संयोजकता, ठीक है। अणु भार और बटे में क्या होता है, संयोजकता होता है, ठीक है। तो अणुभार देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए किसका निकालना है हमको, इस H2Cl2 में सल्फर का निकालना है। तो चलिए सल्फर का निकाल लेते हैं। सल्फर का अणुभार कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। अब भाई रही बात संयोजकता की, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो संयोजकता निकालेंगे, मान लीजिए HCl2 है ना, तो यहाँ पर जो है S+2 में टूटता है और Cl-2 में टूटता है, टूटेगा ना, टूटेगा तो S+2 में टूटेगा और Cl-2 में टूटेगा। तो यानी कि ये दो है ना, चार्ज कितना आया, दो, तो जितना चार्ज आता है आयन में वही हमारा संयोजकता होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, संयोजकता कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो 2 × 32 यानी कि ऑप्शन जो है वो कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो तुल्यांक भार है सल्फर का वो कितना है, 16 है, ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड वाला भी इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने फॉर्मूले के लिए ही क्वेश्चन बनाया है कि अगर आप फॉर्मूला याद रहेगा तो अगर ऐसे दो चार क्वेश्चन आएंगे, मतलब अगर आते हैं कोई क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे। तो देखिए, तत्व का तुल्यांकी भार जो है वो कितना है, 4 है। उसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व जो है 59.25 है। संयोजकता ज्ञात कीजिए, मतलब कि उस तत्व की जो है वो संयोजकता ज्ञात करनी है आपको। उस तत्व की क्या ज्ञात करनी है, संयोजकता ज्ञात करनी, कब कब, जब आपको क्या है वाष्प घनत्व जो है वो दिया है कितना, 59.5। तो याद रखिए कि संयोजकता ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, तो संयोजकता बराबर क्या होता है, जब वाष्प घनत्व दिया रहता है, संयोजकता बराबर क्या होता है, तो आपका होता है 2 × जब वाष्प घनत्व दिया हो तब के लिए, संयोजकता ज्ञात करना है, वाष्प घनत्व दिया हो तो 2 × वाष्प घनत्व, फिर बटे में आपका यहां पर होता है तुल्यांकी भार, और उसके बाद से आपका तुल्यांकी भार और प्लस नहीं मल्टीप्लाई में होता है आपका 35.5, ये होता है, ठीक है। तो संयोजकता बराबर क्या होता है, 2 × वाष्प घनत्व और प्लस और बटे में तुल्यांकी भार और फिर प्लस में 35.5 होता है, तो लैंग के बाद प्लस में 35.5। अब रख दीजिए, बस वाष्प घनत्व आपको दिया हुआ है 2 × वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है, 59.25 दिया हुआ, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 59.25, फिर बटे में तुल्यांक भार कितना दिया हुआ है, तो तुल्यांक भार आपको दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4, मल्टीप्लाई करना सॉरी प्लस करना है, प्लस करना है 35.5 हो गया। अब यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 10, मतलब कि मैंने सॉल्व किया है, बता दें कितना आता है, तो 118.50 आएगा, ठीक है, 118.50 आ जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 35 × 4 कितना हो जाएगा, 39, यानी कि कितना हो जाएगा, 39.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 × 15, लगभग जो है वो 3 बार में आपका चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा कि इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होता तो आप जो है वो सॉल्व कर ले जाते। तो संयोजकता का फॉर्मूला याद रखेगा, 2 × जब वाष्प घनत्व दिया होगा तो 2 × वाष्प घनत्व और बटे में तुल्यांकी भार और प्लस में, यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने लिखा था शुरू में लेकिन वो गलत है, मल्टीप्लाई नहीं प्लस होना चाहिए, तो प्लस और सॉरी तुल्यांकी भार प्लस में 35.5
5 ये क्लोरीन का होता है, ठीक है। तो ये आपको सीधे सीधे फॉर्मूला ही याद रखना है आपको, जब कभी क्लोराइड के उसमें आए तो क्या करना है आपको 35.5 लिखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अच्छा एक चीज़ और हम बता देते हैं कि मान लीजिए अगर आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है और संयोजकता आपको कैसे ज्ञात करना है ये नहीं पता हो रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए कुछ है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि HCl में संयोजकता बताइए, संयोजकता जो है वो कितनी होगी, तो इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके आयन तोड़ सकते हैं, जैसे कि ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, यही होगा ना। अगर इसको तोड़ेंगे तो H+ Cl- में टूटेगा। तो एक तो ऐसे होता है कि जितना चार्ज होता है वो उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है, यानी कि HCl की संयोजकता कितनी, 1। क्यों? क्योंकि चार्ज इस पे कितना है, 1 है, माइनस का 1 है। अगर माइनस का 2 होता तो 2 संयोजकता होती, माइनस का 3 होता तो 3 संयोजकता होती। उसके बाद से दूसरी बात कि इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये एक क्या है, एसिड है ना, एक एसिड मतलब कि एक क्षार है, तो इसकी जितनी बेसिसिटी होगी, जितनी क्षारकता होगी वो उसकी क्या होगी, संयोजकता, क्या होगी, जितनी क्षारकता। तो इसकी क्षारकता जो है वो कैसे पता करेंगे, इसमें से जितना H+ आयन निकलेगा, तो देखिए H+ आयन एक ही H+ निकल रहा है ना, तो ये क्या है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पर H3PO4 है, H3PO4 है, तो ये जो है इसमें से जो है वो इसमें इसकी संयोजकता जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी संयोजकता जो है वो कितनी होगी, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर आएगा इसमें से 3 OH- रिलीज होंगे, कितने, 3 OH- जो है वो निकलेंगे, यानी कि इसकी एसिडिटी जो है मतलब कि इसकी जो अम्लीयता है वो कितनी है, 3 है, मतलब कि 3 OH निकल रहे हैं, तो यानी कि इसकी जो अम्लीयता है वो 3 है, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। वैसे ही मान लीजिए H2SO4 है, इसको इरेज करते हैं, मान लीजिए H2SO4 दिया हुआ है, क्या H2SO4 दिया हुआ, अब इसमें जो है संयोजकता कितनी होगी, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 OH- होते हैं, ठीक है ना, इसमें 2 OH- होते हैं। H2SO4 क्या होता है, अम्ल होता है, तो इसमें से OH- निकलते 2 OH- निकले, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको, कुछ कुछ डायरेक्ट ही याद रख लीजिएगा, लेकिन आयन के मामले में जैसे कि NaCl है, NaCl में संयोजकता कितनी होगी, तो 1 होगी। क्यों? क्योंकि Na+ Cl- आयन है, टूटेगा तो एक में ही टूटेगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है आपने तो जरूर बताइएगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही था। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।